अस्सलाम वालेकुम, एनके जायका में आपका स्वागत है। आइए आज हम झटपट सी बनने वाली हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 जो है सैंडविच ब्रेड लिए हैं। यहाँ मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। 1 कप जो है के करीब मैंने लिया है मिल्क है। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड 1/4 टेबल स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिया है 3 से 4 जो है ग्रीन चिली, उसको बारीक कट कर लिया है, और ये है कोरिएंडर लीव्स, उसको भी मैंने बारीक कर लिया। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है जो ब्रेड को मैं पहले छोटे छोटे क्या कर लूंगी, पीसेस कर लूंगी। ये इस टाइप से मैंने जो है ये पीसेस कर लिया है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ जो है मिल्क ऐड करूंगी। ये हमने यहाँ पे जो है मिल्क और ब्रेड को आपस में क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। जब तक हमारे ब्रेड थोड़े इसमें क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, हम आइए आगे की मेथड स्टार्ट। अब हमारा यहाँ है कि हम ये अंडे क्या ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं मैंने तीनों ही अंडों को क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से क्या करूंगी, फेंट लूंगी। साथ ही में हम सारे जो ये पाउडर मसाले जो हमने लिए थे हम इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इसको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने आप देखेंगे अच्छी तरीके से सारे मसाले डाल के एग को क्या कर लिया है, फेड लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मिल्क और ब्रेड को भिगा के रखा था। ब्रेड भी अच्छी तरीके से इसमें क्या हो गई है, घुल गई है। और हम इनको भी क्या कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें पहले से ही मैंने ऑयल गरम कर लिया। आप चाहे तो उसमें बटर डाल सकते हो या घी से भी बना सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है एग डालूंगी, ये मिक्सर हम, और इसको हम कर देते हैं स्प्रेड कर लेते हैं। आप चाहे तो ये पूरा एक साथ ही बना सकते हैं, पर पैन मेरा इतना ही था तो मैंने इतने ही बनाए हैं। इस टाइप से आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट के लिए क्या कर दिया है, इसको ढककर होने के लिए थोड़ा मीडियम स्लो आंच पर मैंने इसको रख दिया है। हम देखते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये हमारे वन साइड जो है ये एग हो तैयार हो चुका है। अब हम इसको बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से भी पलट लिया था, इसको भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए क्या कर दिया था, उसको होने दिया था। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ऐसे ही मैं सारे जो भी जो बैटर बाकी है उसको भी मैं क्या करूंगी, इसी टाइप से मैं बना लेती हूँ। तो ये मैंने सेकेंड वाला भी है उसको क्या किया है, 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख दिया है, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। ये हमारी हेल्दी सी रेसिपी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसके जो है पीसेस है, एक इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 8 पीसेस बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इस टाइप से ये बना है। आप इसको सॉस के साथ में या कोई भी डिप के साथ में सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।